हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता, और शाम के बज रहे हैं 5:30, 6 ही बजने वाले हैं फ्रेंड। हाँ, 6:15 हो रहे हैं। तो अभी मैं शाम का नाश्ता बना रही हूँ, तभी मैं बनाऊँगी चाय और सूजी का ना फ्रेंड, बिल्कुल ईजी तरीके का नाश्ता बनाऊँगी। तो आप सब ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये है हमारा आलू। तो अभी सारी चीज़ें ना मैं आपको दिखा देती हूँ। और मौसम इतना गर्म हो रखा है ना, इतना गर्म अंदाजा ही नहीं कोई फ्रेंड। ऐसा लग रहा है ना जैसे बारिश होगी, बादल आ रहे हैं बट बारिश हो नहीं रही है। और मेरे से ना मेरा मुंह सूजा हुआ लग रहा है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ना मेरे मुँह हो रहे हैं छाले, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है फ्रेंड। और मैं कल से ना खाना नहीं खा पा रही हूँ, कल से छाला हो गया। अभी थोड़े दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब था, और तबीयत ख़राब था जिस वक्त मैं दवाई खाई थी। और दवाई खाने के जस्ट मतलब दवाई खाने का होता ना फ्रेंड, थोड़ा सा शरीर अगर दवाई आप खाते हो ना, तो थोड़ी सी आके बॉडी में दवाई की एलर्जी हो ही जाती है, खास करके गर्मियों में। मुझे गर्मियों में वैसे भी दवाई से एलर्जी हो ही जाती है। मैं ज़्यादा सीरियस मैटर हूँ ना फ्रेंड, फिर ही खाती दवाई, नहीं तो नहीं। वैसे ज़्यादा काम मेरा ख़राब हो गया था, बीपी वगैरह लो हो गया था, इसलिए फिर मैं दवाई खाई थी। तो ज़्यादातर मैं दवाई वगैरह नहीं खाती हूँ, भगवान की दया से ठीक ठाक ही रहती हूँ। तो दवाई खाई थी, दवाई की एलर्जी की वजह से ना, गर्मी की वजह से, दवाई की गर्मी की वजह से ना मेरे मुंह में हो गए छाले। दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए, ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा एक होठ पे हुआ है, और थोड़ा गले के साइड में भी हो गया है 2-3। काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा, खाना भी नहीं खाया जा रहा मेरे से, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो अभी मैं सूजी का नाश्ता भी बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी आप सभी को बोलूँगी, तो आप लोग प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, मैं सूजी और आलू का बिल्कुल ही इजी तरीके का नाश्ता बना रही हूँ, और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी लगता है। बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, बड़े भी खुश होकर खाएंगे। आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, उसमें जीरा और हरी मिर्च डाला है, और उसके बाद ना मैं यह आलू जो है ना, उसको जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे, तो आलू को भी निचोड़ ले रहे हैं सभी पानी को, क्योंकि आलू से पता आपको फिर गंदा थोड़ा सा पानी निकलता है फ्रेंड, इसलिए आलू को अच्छे से 4-5 बार धो लेंगे और सभी पानी को ऐसे निचोड़ देंगे। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बस 3 आलू ली हूँ, और 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा सूजी ली हूँ, और उतने में हम सभी लोग खा लेंगे जितना ली हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने निचोड़ लिया है, और अब मैं ना कढ़ाई में डाल दूँगी इसको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने डाल दिया है आलू को, और थोड़ा सा इसे भून लेंगे आलू के साथ में, और फिर इसमें पानी डालेंगे गाइज। और ये ना यकीन मानिए फ्रेंड, अगर आप सब खाओगे बनाते ना, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। इसके आगे आप ब्रेड पकोड़े और बाकी जितने भी पकोड़े होते हैं ना, वो भूल जाओगे। आप रोज़ इसको बना के खाओगे। और बारिश का मौसम चालू हो गया है, तो हम सभी के घर में चाय तो बनते ही हैं, और पकौड़े भी बनाते हैं। तो बाकी सब पकोड़ों को आप बाय बाय करिए, और ये नए तरीके का पकोड़ा बना के ज़रूर खाइएगा, जो कि खाने में भी टेस्टी और देखने में भी यमी लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको भून ली थी मैं प्याज तेल के साथ, और अभी इसमें मैंने डाल दिया 2 कटोरी की जितना पानी, और हमारा जितना सूजी हो उसका डबल पानी डालना है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है सूजी पानी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर बस मैंने पानी डाल दिया है, और कुछ भी नहीं डालना सिवाय नमक के। और बिल्कुल ही कम चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको बनाने के लिए बस 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। अभी मैंने डाल दिया इस पर नमक, और इसी प्रोसेस में आपको नमक डालना फ्रेंड, ताकि सूजी के साथ आपका नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ कोई भी चीज़, तो इसलिए थोड़ा सा तेल पीला पीला ऊपर आया हुआ है, तो आप लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। और देखिए, थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे फ्रेंड, एक साथ सूजी नहीं डालेंगे। अगर हम एक साथ सूजी को डालते हैं तो फिर सूजी मरी थोड़ी सी ना गुठ दो जैसे बबल्स बन जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी करके सूजी मिक्स करेंगे और डालते रहेंगे। और यकीन मानिएगा फ्रेंड, ये बनने के बाद जब आप इसे देखोगे और खाओगे ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आलू और सूजी का बना हुआ नाश्ता है।
और बच्चे बड़े ही खुश होके खाएंगे इसे, बड़े भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनने वाला नाश्ता है, मैं आपको दिखा रही हूँ आज। और देखिए इसकी मैं फुल रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की हूँ। वैसे मैं ब्लॉग में एक दो बार आपको दिखाई हूँ ये नाश्ता, बहुत ही पिछले ब्लॉग में, और काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ। करीब 6-7 महीने हो गए मुझे इसे बनाए हुए, काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। और ज़्यादा दिन बाद खाओ तो चीज़ वैसे ही टेस्टी लगती है, और बारिश के मौसम है तो बारिश के मौसम में आप सभी को पता है ये सब चीज़ें खाने में बहुत ही प्यारी लगती है, और सभी का मन कर जाता खाने में। और यहाँ पे देखिए बस मैं सूजी को ना 2 से 3 बार डाली हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और अच्छे से हमारी सूजी मिक्स भी हो गई है, देख सकते हो आप, और बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हुए हैं इसमें। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख देंगे फ्रेंड, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1.5 या 2 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी पक जाती है और ये अभी थोड़ी सी ना गीली है, और इसको रख देंगे तो ये थोड़ी 2 मिनट बाद देखेंगे ना सूख जाएगी। तो बिल्कुल इस प्रोसेस पे आपको तैयार करना है इसे, और तैयार करके उतार लेना है। और ये देखिए हमारी सूख गई है सूजी, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ये ठंडा जब तक होगी गाइस तब तक हम कोई और काम कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद देखिए कितना प्यारा लगता है ये नाश्ता, और जब बनाएंगे फिर खाएंगे आप सब, देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप सब, ये सब क्या हो रहा है, शाम का टाइम पास के लिए बन रहा है कुछ, सोनाली का तो टाइम पास होता नहीं है वैसे। क्या चीज का इन्हीं को पता है, तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने पकोड़े अपने बना के रख लिए थे, और ये बिल्कुल ना बड़े के जैसा लगते हैं, तो इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी क्योंकि मैं कहीं चली गई थी फ्रेंड इसलिए। और अभी तेल हमारा पूरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो तेल में मैं एक एक करके इसको डाल दूंगी, और इकट्ठे नहीं डालने हैं इसको, एक एक दो दो ही करके डालने हैं, एक थोड़ा फ्राई हो जाए फिर दूसरा डालिए, क्योंकि फ्रेंड ये सूजी है और वैसे भी चिपकने लग जाती है, तो इसलिए आप एक एक दो दो डालिएगा, और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के आपका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं साथ साथ में तले जा रही हूँ, और तल तल के बच्चों को और हस्बैंड को खाने के लिए भी मैं दे दूँगी, और है ना देखने में भी सुंदर और खाने में भी टेस्टी। तो अभी इसको खा के बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे, और अभी मैं तेल में दूसरा डाल दूंगी तब तक वो पकता रहेगा। और मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड, मैं इसको कई बार बना चुकी हूँ इसलिए फिर मैं 2-4 साथ में डाल देती हूँ, पर जो पहली बार बनाए वो थोड़ा ध्यान रखे क्योंकि ये चिपक जाएगा कढ़ाई में, जैसे जाएगा वैसे ही चिपक जाएगा। तो आप सो जो पेन होता है ना फ्राई पैन, उसमें आप तल सकते हो इसको दूर दूर करके, और कढ़ाई में तलना बहुत ही मुश्किल है इसे। तो यहाँ पे देखिए मैं बना ली हूँ, और बच्चों को दे दी हूँ खाने के लिए भी सॉस के साथ और माइनस के साथ, तो खा रहे हैं। और इसको मैं ऐसे फैला रही थी ताकि देखने में बहुत टेस्टी लगे, और एक दो देखे थोड़ा सा मेरा भी चिपक गया था, तो जिस करके थोड़ा सा चिपका सा लग रहा है। और बच्चे हस्बैंड सभी लोग खा के खुश हो गए थे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए सॉस है, मैं माइनस इन लोग को दे रही हूँ, और मेयोनीज से ये खाने में जो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखिए खा रहे हैं सभी लोग, जो कि बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी चीज़, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है, और खाने के बाद सब खुश हो जाते फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है ये। और इन लोगों को मैं प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगा, तल के मैं इसे प्लेट में निकाली थी ना इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं सारे प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ, और काफ़ी दिनों बाद खाएं फ्रेंड, इसलिए बच्चों का रिएक्शन बहुत ही अलग रहा, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आप सब लोग में बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा आगे क्या होता है। तो गाइस फाइनली हमारा बन चुका है ये जो मैं सूजी का बिल्कुल ईजी और झटपट से बनने वाला स्नैक बना रही थी वो बन के तैयार हो गया, और बच्चे अभी खा रहे हैं। तो बच्चों को मैं आपको दिखाऊं कैसा है, अच्छा नहीं है, कैसा रहना दही अच्छा है। तो गाइस जो मैं बनाई उसका कोई रिस्पांस नहीं है, दही अच्छा है सॉस अच्छा है पर इसका कोई फर्क नहीं है। इन लोगों को मैं नहीं देना खाने के लिए, रखो मेरा नहीं देना। ले लो मेरी जल्दी जाओ। ओके कैसा है,
बहुत गर्म है। अच्छा लग रहा है? नहीं टेस्टी नहीं? बहुत गर्म है। अब बताओ टेस्टी है कि नहीं? बहुत गर्म है मम्मी। टेस्टी है कि नहीं ये पूछी बेटा? है थोड़ा है। थोड़ा है इसको, थोड़ा ही देना खाने के लिए। ठीक है रोना सब सुनो। रोना कैसा बना है? अच्छा। कैसा बना है? अच्छा। अच्छा खा के बताओ। बैठे साथ। कैसा बना जी? चला दो पंखा, चला दो। मेरे हाथ पे